सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के प्रिंस इस टाइम में इंडिया में मौजूद हैं स्टेट विजिट पे। पहले G20 की मीटिंग थी और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला वेल डन इंडिया फॉर G20। इसके अलावा उन्होंने बोला मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान का विजिट था वो कैंसिल किया? मैंने कहा यार इधर मेरा मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में, ठीक है? इंडिया में आप डॉलर रेट देख लें, वहाँ का पेट्रोल रेट देख लें, वो हमसे कहीं नीचे है, बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है अफगानिस्तान हमसे अच्छा बोला। ज्यादा फायदा किसको होगा अगर रिलेशन बेहतर होते हैं? ज्यादा फायदा दोनों को फायदा नहीं, मतलब वो दोनों को तो फायदा होगा ज्यादा, मुझे लगता है हमें ज्यादा। यही बात है, ये है एजुकेटेड पाकिस्तानी जो कि सोच रखते हैं, जो विजन रखते हैं, जिन्होंने G20 को भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं G20 क्या बुला है और क्या जो सा इंडिया में इस टाइम हो क्या रहा है। रात परेशान रहा हूँ आप यकीन करें, ठीक है, G20 की वजह से। मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्चर थे वो जब देखे ना, मैं कह यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर का किधर किधर चला गया, ऐसे ही है, हम कहाँ रह गए हैं। दीन में ये कोई अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि आप दुनिया एजुकेशन छोड़ दें, टेक्नोलॉजी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, जंगलों में निकल जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ दें, कोई दीन में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है। दीन तो ये कहता है हेड है जो IMF की जी जी। वो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रही है वहाँ पे, साड़ी पहन कर रहे हैं, बॉबी दास किचन ऐसे करके उसका नाम है, ऐसे ही है, वो प्रमोट कर रही है। हम यहाँ अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, जिसके स्टूडेंट पढ़े लिखे अमेरिका में डॉक्टर हैं, हमने उसको एड़ियां रगड़ने पे मजबूर किया हुआ है, हमने खतीजा शाह को अंदर किया हुआ है, ठीक है, हमारी औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। 70-75 साल छोड़ दें। ये 2 साल पीछे जाएं वो माइनस में था, 5 पॉइंट पे थे, अब वो 6 से भी ऊपर जा रहे हैं, आप माइनस में आ गए। क्यों कोविड भी नहीं है क्यों? मगर कहने का मतलब ये है वहाँ कंज्यूमर है, ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं, ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं। अब एक बंदे की कंज्यूमर पावर ही हमारी खत्म कर दी गई है, महंगाई पावर खत्म है, महंगाई देखे ना कहाँ चली गई है। तो ऐसे मुल्क में 25 आपको 25 लाख डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के प्रिंस इस टाइम में इंडिया में मौजूद हैं स्टेट विजिट पे। पहले G20 की मीटिंग थी और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वहां के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला वेल डन इंडिया फॉर G20। इसके अलावा उन्होंने बोला मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है कि उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान का विजिट था वो कैंसिल किया, इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या वजह समझते हैं आप इसकी? मैं एक दो बातें जो आपने ऐड की है उसमें ऐड करता चलूँ। MBS ने वो स्टेटमेंट्स जो मोदी ने बोलना था ना, वो उन्होंने अपने मुँह से बोली है वहाँ। अच्छा। जो उन्होंने कॉरिडोर का अनाउंसमेंट की है इंडिया टू यूरोप, हाँ जी इकोनॉमिक, वो प्रिंस मोहम्मद ने जो है वो खुद अनाउंसमेंट उसकी दी है। उसके अलावा उन्होंने हमें ये इधर बताया गया कि जी वो जाते हुए यहाँ रुकेंगे, वो $25 अरब के मुआवजे करेंगे, हमें कौन मुआवजे देगा? आपके मुल्क में चल क्या रहा है? आपके मुल्क में ना देखे कोई भी इन्वेस्टर आता है ना, वो देखता है कि यहाँ की दालतें कितना इंसाफ दे रही है, स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, है हर मुल्क का जो सफीर है, जो उसका सफारत खाना यहाँ काम कर रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी जो है ना जानता है। और जहाँ तक मैं लॉजिक MBS और सऊदी अरब की समझता हूँ, सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान की वाम जिस तरह पाकिस्तान की वाम का झुकाव है ना, उसके वो अपोजिट नहीं जाता। अच्छा, यानी पाकिस्तान की पब्लिक के साथ है, पब्लिक वो अपना स्टांस जो है वो पब्लिक के साथ रखता है। पब्लिक इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान को डंडा दे के दबाया हुआ है, लटकाया हुआ है, उसके बंदों को पकड़े हैं, ठीक है, एक वो क्या मांग रहा है, वो आपसे इलेक्शन मांग रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर स्टेबिलिटी आ जाती है या फिर जैसे अगर पब्लिक जाती है इमरान खान आए, हाँ। अगर इमरान खान आ जाते हैं तो सऊदीया हो गया, इवन तुर्की भी अब जो उनसे इंडिया की फेवर कर रहा है, सब करेंगे, जो रह गए वो भी करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आए नहीं, ऐसी क्या खूबी है उनमें या ऐसी कौन सी उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी कहेंगे क्योंकि गुड पॉलिसीज की वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्या ऐसी इंडिया वालों की पॉलिसी है कि आपने बोला कि जो कंट्रीज रह गए हैं वो भी आने वाले टाइम पे इंडिया हालांकि मोदी हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हमें यहाँ बताया जाता है हो सकता है वो भी समझते हो, ठीक है, मगर कहने का मतलब ये है वहाँ कंज्यूमर है, ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं, ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं।
अब एक बंदे की कंज्यूमर पावर ही मारी खत्म कर दी गई है, महंगाई पावर खत्म है, महंगाई देखे ना कहाँ चली गई है। तो ऐसे मुल्क में 25 आपको 25 लाख डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा आपके पास, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब तो ये तरले सुनने में आ रहा है, तरले मिनते कर रहे हैं कि जाते हुए रुक जाओ यार। अच्छा, यानी थोड़ी इज्जत रह जाए, थोड़ी इज्जत रह जाए हमारी, ठीक है, ठीक है। तो आपको लगता है जाते हुए भी कोई 2-4 घंटे का स्टे करेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं मुझे तो ये लग रहा है कि जाते हुए उन्होंने कहना मैं सो गया था, जब मैं पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था मैं सोया हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं चला पाकिस्तान गुजर गया था, ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं तरीके से लेम एक्सक्यूज या वो करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं G20 की अगर बात करें, कौन से ऐसे बेनिफिट्स इस टाइम इंडिया को मिले हैं G20 की प्रेसिडेंटशिप की वजह से, या जो वहाँ पे समिट हुआ है, कौन कौन से ऐसे, मतलब पहले होते हैं तो पावर गेम होती है, पावर शो होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो नोट किया है बिजनेस की बात हुई है, इकॉनमी की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, इकॉनमी वहाँ 20 माशियत जो है पावरफुल माशियत वो वहाँ पे इकट्ठी हैं, ऐसे ही है, ठीक है, 20 प्रेसिडेंट, 20 दिमाग जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, दिमाग हैं, हेड ऑफ स्टेट है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जो हम जो बातें हम तक आ रही हैं वो तो सुनकर यकीन करें मैं रात को परेशान रहा हूँ। मैंने कहा यार इधर मेरा मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में, ठीक है। इंडिया में आप डॉलर रेट देख लें, वहाँ का पेट्रोल रेट देख लें, वो हमसे कहीं नीचे है, बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है अफगानिस्तान हमसे भी अच्छा बोला। कई ऐसी उधर से न्यूज आ रही है कि मैं रात सारी परेशान, कौन सी न्यूज आ रही है वहाँ से ऐसी, मतलब ये जो देखे ना ये मुआहदे जो हो रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है। और सिर्फ सऊदीया के साथ नहीं, उन्होंने तो वहाँ अपना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी किया है, इसके अलावा उन्होंने जो फ्रांस के साथ डिफेंस के हवाले से मुआहदे किए हैं, और भी बहुत से जो कंट्रीज है उनके साथ किए हैं। हमारा इधर इमरान खान ने 2 दफा इस्लामिक जो है कॉन्फ्रेंस OIC की है, उनको उधर वक्त पड़ा रहा है, बल्कि उन्होंने रोड़े अटकाए हैं उसमें कि ना हो सके, उसने की है, सब लोग इधर जमा थे। एक आपका देखे ना पॉलिटिकल इमेज आता है, ठीक है, यार जाता है, अभी G20 से क्या इमेज गया पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। अब आप देखे इंडिया को कुछ भी ना मिले, इंडिया इस टाइम पूरे वर्ल्ड का सेंटर बना हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है, हर जगह इंडिया डिस्कस हो रहा है, क्यों ऐसे ही है। अच्छा, अभी इंडिया डिस्कस हो रहा है किस वजह से, G20 की वजह से, उससे पहले इंडिया डिस्कस हो रहा था चंद्रयान जो उनका मिशन मून था उसकी वजह से, मिशन सन की वजह से, उससे पहले डिस्कस हो रहा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, मतलब इंडिया ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, क्या वजह, मतलब आपको क्या लगता है उनकी पॉलिसी, दिमाग कैसा है उनका? देखिए मैं ये नहीं कहता, कहने का मतलब है वहाँ पे हम, मैंने आपसे पहले एक बात की, हम कहते हैं वहाँ पे फासिस्ट है, मोदी जुल्म कर भी रहा है, जो मीडिया में कर भी रहा है, मगर एक वो देखे ना, एक वो अपनी आवाम का मंडेट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, वो जबरदस्ती उठा किसी को उठा, अब हमें नहीं था पता एक चलती फिरती गवर्नमेंट को आपने गिराया, गिरा कर फिर वो लोग जिनको आप चोर चके कहते थे उनको ऊपर बिठाया, लोग तो उसी वक्त डर गए थे। सर यहाँ पे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आपने 2-3 दफा कहा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो फासिस्ट हैं, वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। एक बात है, आपका ये सवाल है जो कि हमें मीडिया पे बताया जाता है, अगर ऐसा है तो जो वहाँ पे 20 पावर्स गए हैं वो उनके अंदर जो उनसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं, US वहाँ पे था, फ्रांस वहाँ पे था, इवन तुर्की और सऊदीया वहाँ पे था, तो इन्होंने बात क्यों नहीं उठाई, एक बात, मतलब क्यों नहीं कहा कि भाई वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो जुल्म कर रहे हैं, ऐसी बात क्यों नहीं की गई, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से की जाती है लॉबिंग, ठीक है, उसकी लॉबिंग बड़ी ज़बरदस्त, वो अपनी लॉबिंग ऐसे करता है कि किसी को कहने का वो आंखें बंद कर लेते हैं। अब जितने मुल्कों, फ्रांस देख लें, आप कोई भी देख लें, कार तो वो अंदर खाते वही काम रहे होते हैं, ठीक है, वो इसको अगर खुल्लम खुल्ला कहेंगे तो उनकी तरफ भी तो उंगली उठेगी नहीं, सऊदीया तो सऊदीया कह देता, तुर्की कह देता, तुर्की ने पता है आज क्या स्टेटमेंट दिया है, शायद जैसे आपने बोला कि मैं G20 को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, प्राउड होगा कि इंडिया बना है, तुर्की ने यह बोला, वो बोलने पे मजबूर है ना। अच्छा, देखे मेरे पास एक बैक ही नहीं है, वो किसके पीछे खड़े हो, वो इधर पीछे खड़े हो, उधर वो जो गोपी है उनकी वो एक हेड है जो IMF की, जी जी। वो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रही है वहाँ पे, साड़ी पहन कर रहे हैं, गोपी दास किचन ऐसे करके उसका नाम है, ऐसे ही है। वो प्रमोट कर रही है, हम यहाँ अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, जिसके स्टूडेंट पढ़े लिखे अमेरिका में डॉक्टर हैं, हमने उसको एड़ियां रगड़ने पे मजबूर किया हुआ, हमने खतीजा शाह को अंदर किया हुआ है।
ठीक है, हमारी औरतों के साथ क्या जुलम हो रहा है सर? ये कब स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में? देखें, बड़ा दिल दुखता है, हम आए दिन, बल्कि मैं डेली बेस पे इंडिया की न्यूज़ के ऊपर कवरेज करता हूँ, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेता हूँ, अब मेरे दिल में ये बात आने लगी है कि आखिर कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हम भी यहाँ पे खड़े होकर कहेंगे कि सर आज पाकिस्तान की तरफ से ये अचीवमेंट हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे, आज पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में किया। ये कब दिन आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ये आए थे, गुजर गए, जब चाइना कम्युनिकेटर कॉरिडोर बन रहा था, ये खबरें हम पर भी आई थी, ठीक है, मगर हमने क्या किया, हमने उसको चलाया, ठीक है, हर बंदे ने अपने मफादात देखे कि यार मुझे इसमें क्या मिलता है, जितना मुझे मिलता है उतना ठीक है, बाकी फारग है। अच्छा, और आपको पता है कि ये इतना डिले कर दिया गया कि अब जैसे इंडिया और सऊदीया का ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे अब आपको लगता है कि सी पैक की या चाइना का जो जैसा वन बेल्ट वन रोड है, इसकी कोई वैल्यू या वर्थ? एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना, वो अब कहने की हद तक, थोड़ा इस साइड पे, जी जी, कहने की हद तक जो है ना, एक चीज़ चलती है, ठीक है, अगर उन्होंने वो कर दिया है, हमारे इधर इतनी स्टेबिलिटी आए, हमारा कंज्यूमर इतना पावरफुल हो, उसकी जेब में पैसा जाए, वो कंज्यूमर, इन्होंने ये कंज्यूमर पावर देखते हैं कि वहाँ के मुल्क की पावर, कंज्यूम पावर कितनी है। कोई भी कंट्री है वो तभी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, जो आपने स्टार्ट में बात की है, पहले स्टार्ट में आपने कहा कि भाई जब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कहाँ पे है, हम अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ हमारा पैसा सेव है या नहीं है, ये चीज तो पहले देखते हैं। आप ये दुकानदार हैं, इनसे पूछे, इन्होंने क्या, उन्होंने कहना सुबह वेले बैठे ऐसे ही, और हम पूछते हैं डेली बेस पे, वो यही कहते हैं इधर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा। मैं कहता हूँ आप अपने बिजनेस की बात कर ले, क्या प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, सबसे ज्यादा मुतासर ही हम हुए हैं जब से इमरान खान साहब उतरे हैं ना जी, सबसे ज्यादा मुतासर, तब के हमारे जो है ना, एक तो रेट डाउन आ गए, उसके बाद स्लम चल रहा है, यकीन उसकी वजह ये कि मतलब प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट वो ही करता है जिसके पास सेविंग्स होती है, सेविंग्स तो आप सेविंग ही नहीं रहेंगी और उसके बाद ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कौन करेगा इन्वेस्टमेंट। हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए, हमें ये दुश्मनियां नफरतें खत्म करके, सऊदीया को हम फॉलो करते हैं, अगर वो जो उनसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, यूएई, तुर्की खास तौर पे, अगर वो कह सकता है कि मुझे फख्र होगा कि अगर इंडिया जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है, तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों की तरफ आते, हम क्यों नहीं रिलेशन पे, कि हम कहेंगे नहीं जी दुश्मन ही है। आप सबसे पहले आप देखें कि आप एक इलेक्शन, एक वही तो आपसे बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर इलेक्शन करवाएं जो शफाफ हो, जो मुनसिफाना हो, सब माने, उसके बाद जो गवर्नमेंट आए वो, हाँ ये बिगाड़ इतना को पैदा हो गया, वो उसको आगे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, करते 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 काम बनेगा, ऐसे ही है, ठीक है। आज के दौर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिटिशियन उठ के कहता है कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने है, क्या उसे गद्दार नहीं कह दिया जाएगा? इंडिया के साथ कहते हैं मगर हमने कईयों ने की भी नहीं। इमरान खान साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा, इन्होंने जब वो मामला कश्मीर वाला कर दिया, फिर वो उनका स्टांस था कि ये आप रोल बैक करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ठीक हो गया। तो ना तो रोल बैक तो उन्होंने किया नहीं, और हमारे लिए मुश्किल बन गई है। अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो पाकिस्तान या कश्मीर के हवाले से जो सी चीजें होंगी वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? वो अभी नहीं आपके काबू आ रहा, तब आ जाएगा। ऐसे ही है, सलामती काउंसिल के मेंबर का मतलब उसके बाद वीटो पावर, बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी आपको घुटनों पे ले आता है, तब तो आप बैठे ही घुटनों पे हैं। ऐसे ही है, तब तो हम चाहते हैं ना, पूरी दुनिया भी अगर चाह लेगी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाए, फिर भी अगर इंडिया वीटो कर देगा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल जी यही बात है। और ये चीजें लॉजिकल चीजें हैं, हमें ये चीजें देखने की जरूरत है, हमें कश्मीर साजिश इन चीजों से आगे बढ़ के पाकिस्तान की पब्लिक का सोचना है, ये लाहौर की पब्लिक का, पंजाब की, पाकिस्तान की पब्लिक का सोचना है, कश्मीर 75-76 साल करके क्या हमने हासिल कर, वही खड़ा हुआ है, हम बल्कि उसको हम उसके लिए हम पिस रहे हैं, ठीक है, और हमारे साइड में जो कश्मीर है हमने क्या किया, हमारे उनसे रिलेशन बेहतर हो, तजारत हो, जिन चीज़ों में आपस में ट्रेडिंग होती है ना जी, ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब होता है खुशहाली, ठीक है, चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, पैसा उधर भी जा रहा है, पैसा इधर भी आ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, और ये अगर जहाँ पे पैसे की बात आती है, लेन देन की बात आती है, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाती है, पता है वहाँ पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट, मेरे यार इसके साथ ये स्टेक है, उसके मेरे साथ ये स्टेक्स हैं, ठीक है, फिर बंदा अपने स्टेक्स देखता है, फिर दुश्मनियाँ नहीं देखता, ठीक है,
ज्यादा फायदा किसको होगा अगर रिलेशन बेहतर होते हैं? ज्यादा फायदा दोनों को फायदा नहीं, मतलब वो दोनों को तो फायदा होगा ज्यादा, मुझे लगता है हमें ज्यादा। यही बात है, ये है एजुकेटेड पाकिस्तानी जो कि सोच रखते हैं, जो विजन रखते हैं, जिन्होंने G20 को भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं G20 क्या बुला है और क्या जो सा इंडिया में इस टाइम हो क्या रहा है। रात परेशान रहा हूँ आप यकीन करें। ठीक है, G20 की वजह से मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्सल थे वो जब देखे ना, मैं कह यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर का किधर किधर चला गया, ऐसे ही है, हम कहाँ रह गए हैं। हम हमारे तो एक हो ना बंदे को बेहतरी के चांस नजर आ रहे हैं, उम्मीद हो, हमें तो उम्मीद भी नहीं नजर आ रही, उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। किस जगह पे जाके, कौन से ऐसे पॉइंट पे, कौन से ऐसे साल में इंडिया आगे निकल गया? मतलब 1947 में जो उनकी कंडीशन थी, हम एक ही थे ना, तो जो उनकी कंडीशन वही हमारी। मैं कहता हूँ आप सब कुछ छोड़ दें, आप 70-75 साल को भी छोड़ दें, ठीक है, आप सिर्फ 2 साल पीछे जाएं, ठीक है, ठीक है। कोविड आया था, आया था, कोविड में इंडिया की जो रेटिंग थी, मैशियत की रेटिंग मनफी में गई थी, पाकिस्तान 0.5 से ऊपर था, ठीक है, 5 पॉइंट से ऊपर ग्रो कर रहा था, इंडिया माइनस में चला गया था, वहाँ पे कोरोना ज्यादा फैल रहा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फुल लॉकडाउन कर दिया, इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन रखा था, उसने अपने मजदूर बचाए, अपनी इकोनॉमी बचाई, सब दिहाड़ीदार सब काम कर। जो है ना वैक्सीन कोरोना की, वो इंडिया वालों ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई, आपको पता होगा चाइना ने, इंडिया ने, या इस तरीके से वो उधर कुछ वो प्लांट्स उनके लगे हुए थे जहाँ रिसर्च चल रही थी, मगर वो एक दवाई है ना, वो कहीं भी बन जाए वो तो सबके लिए ऐसे ही है, ठीक है, वो तो इंसानियत के लिए। मैंने एक पॉइंट दिया, आप 70-75 साल छोड़ दें। ये 2 साल पीछे जाएं, वो माइनस में था, आप 5 पॉइंट पे थे, अब वो 6 से भी ऊपर जा रहे हैं, आप माइनस में आ गए, माइनस में, हालांकि अब तो कोरोना का चक्कर भी नहीं, क्यों कोरोना, कोविड भी नहीं है, क्यों आपके आपका आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बेचैन है, हर बंदा परेशान है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना, अभी भी निगरान हुकूमतें बैठ गई, दो तो निगरान हुकूमतें जो है गैर आइनी बैठी हो बैठ गए, पंजाब और केपी, वहाँ से केयर टेकर वो आप कह ही नहीं सकते, जो अभी बैठ गए, अभी आप बताएं किसी ने कहा है कि जी स्टेट को इलेक्शन है, ठीक हो गया, नहीं बिल्कुल ठीक है, ये निगरान आगे बैठे, इसने निगरान का मतलब होता है आते ही इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग कर, ठीक है, वो आके इकोनॉमी की मीटिंगें कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज आजकल जो पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत काम कर रहे हैं, मतलब नो डाउट अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जिसका जो काम है उसे तो वो करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है इकॉनमी को कंट्रोल करना, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है? सर ये तो हमारे बाबा कौम ने कोयटा में जब बना था, कोयटा में अपने खिताब में कह दिया था, इनको मुखातिब करके कहा था, तुम लोगों का काम नहीं, ये बात है, मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है, तुम लोगों की जो जिम्मेदारी आइन ने तुम्हें दी है उसमें रहकर तुम काम करो, जब हर अदारा अपनी डोमेन में रहे, अपना काम करे, ठीक है, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर हर बंदा खुशहाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, जिसकी जो जिम्मेदारी, मेरी जो जिम्मेदारी है मुझे वो करना चाहिए, इनकी जो जिम्मेदारी है ऐसी अदारे हों या गवर्नमेंट हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करना चाहिए। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन थी और उन्हें राइट है ओपिनियन देने का, आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियां कमर। क्या करते हैं सर आप? जी बिजनेस। बिजनेस करते हैं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बताएं जो पाकिस्तान की कंडीशन है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। अच्छा, बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात रहती है, मतलब पूछते हैं बिजनेस कैसा चल रहा है, ज्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन आप पहले हैं मोस्टली जिन्होंने ये कहा कि भाई बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आप क्या पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं जो बेहतर चल रहा है? प्योरली पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस करते हैं? ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, लीफ स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग हमारी पॉपुलर स्प्रिंग इंडस्ट्रीज के नाम से। जबरदस्त हो गया जी, बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई है मुझे। सर टॉपिक ये है कि कभी बिजली के बिलों के हवाले से आवाम परेशान नजर आती है, और अभी आज खबर है कि चित्राल में TTP ने प्रॉपर अटैक किया है और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की है, कब्जा करने की कोशिश की है, क्या वजह है? हमारे अफगानिस्तान हो गया या नेबर हो गया, उनके साथ ना तो हालात बेहतर हो रहे हैं और ना ही सेकेंडली हमारे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर बेहतर हो रहे हैं। सर इसमें सबसे जो अहम जो बात है ना, वो देखना ये है कि ये कायनात जो है ना वो अल्लाह ने बनाई है, ठीक है, इसके मालिक अल्लाह हैं, इसके खालिक अल्लाह हैं, और इसका सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह पाक ने कायनात में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है, ठीक है। अब जो बंदा उस तरीके पर रहेगा वो खुशहाल रहेगा और पुरसकून रहेगा, और जो अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारेगा
तो वो परेशान होगा, कंडीशन ख़राब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे तशरीफ़ लेके गए तो कुछ चीज़ें नीचे आ रही थी, कुछ ऊपर जा रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, फरमाया कि जैसे नीचे से आमाल जाएंगे वैसे ऊपर से हालात आएंगे। इसका मतलब हालात का बनना और बिगड़ना किसके हाथ में? जी अल्लाह के हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो कंडीशन है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका मतलब हमारे अमाल नहीं ठीक, हम अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन है या रिलेशन है वो हमारी अपनी वजह से खराब है। बिल्कुल, हमारा दीन तो यही कहता है, हमारा कुरान यही कहता है, हमारा जो शरीयत है वो यही कहती है कि इंसान के ज़िंदगी का बनना और बिगड़ना अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी अल्लाह बनाएंगे और इंसान के आमाल के साथ बनाएंगे, जैसे इंसान के आमाल होंगे वैसे हालात। कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है कि खुशकी और तरी पे जितने भी हालात हैं, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि खुशकी और तरी पे जो भी हालात हैं वो इंसानों के आमाल के साथ हैं, जैसे आमाल होंगे वैसे हालात होंगे। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। सर मुझे ये बताएं क्या वजह है, हम एक तरफ इस्लाम 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 मज़हब मज़हब करते हैं, दूसरी तरफ मैं भी मुसलमान आप भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान मरने वाला भी मुसलमान, आप इस चीज़ से एग्री तो करते हैं ना? लाइक अगर TTP या तालिबान की बात करें, ये हमने ही बनाए, हमारी अगर हम पास में देखें आज हमारे ही वो दुश्मन है, हमें ही नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हम आपस में अफगानिस्तान की बात करें, इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। एक तरफ हम मज़हब के ठेकेदार, दूसरी तरफ हम आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसा ही में जा रहा है पूरी दुनिया में? ये तो सारी सिर्फ जो है ना इस्लाम से दूरी की वजह है। असल क्या है कि समझना ये पड़ेगा कि अल्लाह क्या चाहते हैं। ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? जो अल्लाह चाहते हैं वो करेंगे, अल्लाह वो कर देंगे जो हम चाहते हैं। हदीस कुदसी का मफहूम है। अब हर बंदा जो अपना इस्लाम बनाएगा, हाँ ये पॉइंट मेन पॉइंट, असल इस्लाम क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ले, कुरान और अहादीस, ये इस्लाम है। बाकी तो रवाज हैं, उसको इस्लाम का नाम दे लें, उसको जो मर्जी नाम दे लें। तो आपको लगता है कोई बेहतरी की उम्मीद है? हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाएं, हम एजुकेशन की तरफ भी जाएं, दुनिया जिस तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही है, आपको पता है नेबर की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, वो कहां से कहां चले गए? सारा वही है, ये सारा हमारा दीन जो है वो सबसे पहले इसी बात की तालीम देता है। दीन में ये कोई अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि आप दुनिया एजुकेशन छोड़ दें, टेक्नोलॉजी छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, जंगलों में निकल जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ दें, कोई दीन में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। दीन तो ये कहता है कि भाई देखो, दीन है क्या समझने की बात है कि अल्लाह की चाहत को, अल्लाह की चाहत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने का नाम दीन है। अब देखें, मुझसे आप क्या चाहते हैं? मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जो चाहता है वही तो उसका दीन है। ठीक है, औरत के जिम्मे जो हकूक हैं वही तो उसका दीन है। एक बाप के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस, अब देखना, एक बाप के जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं वही तो उसका दीन है। एक औलाद के लिए जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए वही तो अल्लाह भी तो यही चाहते हैं। असल मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी क्या है। भाई अपनी मर्ज़ी को छोड़ के अल्लाह की मर्ज़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी बेहतरी आएगी। अच्छा लगा बात करके, हर एक की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे लास्ट में एक और चीज़ बता दें, इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम को लेके अगर बात करें, इस्लामोफोबिया या इस तरीके से बात की जाती है, आपको नहीं लगता कि हमारे, हम कहने को तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन हमारे अमाल इस तरीके से हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो उल्टा हमारा इमेज जो है उनके सामने ख़राब हो? मैं एक छोटी सी आपको इसकी तशरीह बता दूँ जी। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब मक्के में मबूस फरमाए गए तो उस वक्त मक्के के हालात क्या थे कि उनके हालात ये थे कि उनके ऊपर कोई हुकूमत करना भी नहीं चाहता था। ठीक है। और दुनिया के ऐसे ऐसे जुर्म थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना और कत्लो गारत और खोपड़ियों में शराब पीना, ये सारा मौजूद था। जब उनके ऊपर मेहनत हुई तो वही लोग जो ढाके मारने वाले थे वो जाने देने वाले बन गए, उनको उस दुनिया में रज़ा के सर्टिफिकेट मिल गए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अल्लाह तुमसे। अब क्या था कि जब वो दीन की मेहनत हो रही थी तो पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम, और जहाँ से मुसलमान गुजरते थे लोग कलमा पढ़ते थे और सहाबा जाके कहते थे जी इस्लाम ना कबूल करो, हमारे जैसे हो जाओ। तो सर आज के दौर, अब हुआ क्या कि ये मेहनत ख़त्म हो गई। पहले 300 साल में ये मेहनत चलती रही और इस्लाम पूरी दुनिया पे फैलता गया, और जब ये मेहनत आहिस्ता ये मेहनत बंद हुई, दीन की मेहनत बंद हुई, तो आज मुसलमान के घर से भी दीन निकल गया। ठीक हो गया। आज पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी दुनिया में एक 10 नहीं 20 नहीं 25 नहीं छोटी सी बस्ती भी दिखा दें जहाँ अल्लाह का 100% दीन जिंदा हो। ठीक है, यानी अभी पूरी दुनिया में दीन नहीं है उस तरीके से जिस जो अल्लाह चाहते हैं। मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे हो, एक तो अल्लाह चाहते हैं। अब जितना जितना जिंदगी में दीन आता चला जाएगा अल्लाह उसको कामयाब करेंगे। अब इनफरादी तौर पर अल्लाह के